हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो मैं फिर से आपके सामने एक बार उपस्थित हूं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक लेकर के, और वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसी टॉपिक में हम लोग लैक ऑपेरॉन के बारे में बात कर लेंगे। इस सिस्टम को पढ़ने के पहले हम लोग को ये समझना है कि हाउ डज़ अ पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस इस कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को वो कैसे एक्सप्रेस करता है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि इट इज़ एक्चुअली में ये जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो, ये एक मॉलिकुलर प्रोसेस है इन विच पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म फिनोटिपिकली। मतलब एक जीन की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटिपिक कैरेक्टर में कोई चेंजेज आता है। वो चेंजेस जो आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। एक्चुअली में ये चेंजेस किसकी वजह से होता है, ये मॉलिक्यूल्स में चेंजेस जो होता है उसकी वजह से होता है। मॉलिक्यूल्स में कुछ अल्टराइजेशन होता है, इसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। ओके, अब देखिए इसका आगे इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि ये बेसिकली टू टाइप्स का जीन अवेलेबल है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। एक को बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन और एक को बोलते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। देखो, कंस्टिट्यूटिव जीन को हम लोग हाउसकीपिंग जीन भी बोलते हैं, और नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन जो होता है वो लग्जरी जीन है या स्मार्ट जीन है। देखो, हाउसकीपिंग जीन का मतलब क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके घर में जो जनरल पर डे जो खाना बनता है वो क्या है, आपका आपका जो है रेगुलर फूड है। लेकिन अगर आपको कभी कभी मन करता है कि नहीं भाई, हम थोड़ा सा ये रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ कुछ खाएं, या वहाँ के कुछ अलग टाइप का कुछ फूड लें, तो वो क्या है, लग्जेरियस लाइफ है ना। तो ऐसा ही कुछ जीन के पास भी होता है, ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलर लेवल पर जीन अवेलेबल होता है ना, उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि एक ऐसा जीन जो हमारे जनरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसको हम लोग बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। एक ऐसा जीन जो हमारे जनरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। और एक ऐसा जीन जो नीड के हिसाब से हमारे बॉडी में एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लग्जरियस जीन, या फिर स्मार्ट जीन बोलते हैं उसको हम लोग। तो चलिए मैं आगे बता रहा हूँ हाउसकीपिंग जीन के बारे में। देखिए, कंस्टिट्यूटिव जीन जो आप देख रहे हो, हाउसकीपिंग जीन को हम बोल रहे थे, क्या मैंने बताया है, रिक्वायर्ड बाई ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स नॉर्मल वर्क, नॉर्मल फंक्शन के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है इसका। और क्या, एक्सप्रेस इट्स सेल्फ कॉन्स्टेंटली, ये कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेशन करता है ना। ये अगर नहीं होगा ना आपके बॉडी में, अगर इसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो गया तो आपके बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे रेस्पायरेशन को जो जीन हैंडल कर रहा है वो क्या है, हाउसकीपिंग जीन है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस को जो जीन हैंडल कर रहा है वो क्या है, हाउसकीपिंग जीन है। क्योंकि अगर प्लांट में रेस्पायरेशन या हमारे बॉडी के सेल में रेस्पायरेशन नहीं होगा या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, इससे हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म जो होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा, तो हाउसकीपिंग जीन है वो, है ना। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन का। देखिए, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन जो आप देख रहे हो, जिसको हम लोग बोले स्मार्ट जीन या लग्जरी जीन, क्या है, रिक्वायर सम स्पेसिफिक पर्पस, है ना। ये हमेशा पर्पस, ये हमेशा काम नहीं करता है, कुछ स्पेशल पर्पस है। और क्या, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल, सेल की जो जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। अब देखिए क्या बताया गया कि कॉमनली दे आर स्विच ऑफ, है ना, ये स्विच ऑफ होता है या फिर स्विच ऑन भी हो सकता है ना, एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बिकम स्विच ऑन। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ ही होता है, ये स्विच ऑन भी हो सकता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑफ और ऑन होता रहता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट जीन या लग्जरियस जीन। अब देखो, इसका दो टाइप बताया गया है, इसका दो अलग अलग टाइप आपको बताया गया है। एक है क्या, इंड्यूसेबल और एक है रिप्रेसेबल। देखिए, एक इंड्यूसेबल है और एक है रिप्रेसेबल। इंड्यूसेबल कहने का मतलब क्या होता है कि दे बिकम स्विच ऑन बाय सबस्ट्रेट। इंड्यूसेबल जो होता है वो क्या होता है, स्विच ऑन हो जाता है सबस्ट्रेट के द्वारा, और रिप्रेसेबल जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है प्रोडक्ट के द्वारा। देखो, जनरली इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट को देख करके सेल के अंदर कोई जीन जो है वो ऑन हो जाता है, पहले से वो ऑफ था। ओके, और रिप्रेसेबल क्या होता है कि वो पहले से क्या है, ऑन है, पहले से वो क्या है, ऑन है,
और जब कोई सबस्ट्रेट या फिर कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तो उस प्रोडक्ट की वजह से वो ऑफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट का लिमिटेशन है ना, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको ऑफ होना ज़रूरी है, तो वो ऑफ कैसे होगा, तो प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट आपको आ रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वही क्या करता है, उस जिन को ऑफ कर सकता है। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। इस टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो इसको हम लोग फीडबैक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं जीन का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए आगे क्या है कि ड्यूरिंग इंडक्शन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ट्रिगर है ना, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ट्रिगर जीन जो कि ऑफ था एंड मेक इट ऑन। जब इंडक्शन होता है तो एक पहले से जो जीन था वो क्या था, ऑफ था। और जब इंड्यूस मतलब कोई इंड्यूसर आएगा, कोई इंड्यूसर आएगा, तो वो इंड्यूसर इसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग रिप्रेसिबल जीन को देखें तो क्या है, जीन रिमेन्स इन ऑन स्टेट। जीन जो होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन स्टेट में रहता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिटीज जो होता है, मेटाबोलाइट का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो इसको क्या कर देता है, ऑफ कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक रिप्रेजेंटेशन, है ना, ये फीडबैक रिप्रेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट लेवल में होता है। देखो अलग अलग कंडीशन है सेल के अंदर, जो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है, स्प्लाइसिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है मैसेंजर आरएनए का साइटोसोल के में, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन होता है। तो डिफरेंट लेवल पे जीन एक्सप्रेशन पॉसिबल है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पॉसिबल है, स्प्लाइसिंग लेवल पे पॉसिबल है, मैसेंजर आरएनए जब साइटोसोल में मूवमेंट करता उस लेवल पे पॉसिबल है, जब ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन का, जब सिंथेसिस होता है उस लेवल पे पॉसिबल है। मतलब ये अलग अलग लेवल है जब आपका जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो सेल के अंदर चलता है। अब देखिए इसी का सबसे इम्पॉर्टेंट एकदम VVI टॉपिक है ये, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। देखिए ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है लाइक ऑपेरॉन। NCERT में इसका चर्चा किया गया है ना, तो हम लोग उसी ऑपेरॉन सिस्टम को देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑपेरॉन सिस्टम को देखने के पहले जरा सा हम लोग ये समझ लें कि आखिर ये ऑपेरॉन सिस्टम होता क्या है। देखो ऑपेरॉन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑपरेटर और बहुत सारे जीन के द्वारा, एक्चुअली में बहुत सारे जीन अवेलेबल होते हैं, उस जीन के द्वारा किसी भी मेटाबॉलिक सिस्टम को मॉलिकुलर लेवल पे हैंडल करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसको फ्रांसिस जैकब और जैकस मोनेट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में इकोलाई के ऊपर ये काम किया था। ओके, अब ये क्या था भाई, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने जो ऑपेरॉन को डिफाइन किया, देखिए ऑपेरॉन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ DNA विच एक्ट्स एज ए रेगुलेटरी यूनिट, है ना। ये मॉलिकुलर लेवल पे जेनेटिक्स का वो पार्ट है जो एक रेगुलेटरी यूनिट के जैसा काम करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब देखिए इस रेगुलेटरी यूनिट में आपको क्या मिलेगा, देखो एक्चुअली में ये पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होता है, देख रहे हो, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है ऑपरेटर जीन, एक होता है प्रमोटर जीन, और एक होता है रेगुलेटरी जीन, है ना। स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रमोटर, ये ऑपरेटर जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, और रेगुलेटरी जीन होता है। ये चार डिफरेंट जोन्स होते हैं जो ऑपेरॉन सिस्टम को कॉन्सेप्ट करते हैं। स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ना, ये जैकब और मोनाट का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि बस ये चार ही जीन, चार ही टाइप के जीन होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये चार ही जीन अवेलेबल होते हैं। ओके, अब देखिए इसी सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसमें, तो लैक ऑपेरॉन में। पहले मैं ये ऑपेरॉन सिस्टम के बारे में बात बता दूं आपको। देखिए टाइप ऑफ ऑपेरॉन सिस्टम है, तो आपको मैंने बताया था ना अभी थोड़ा देर पहले, मैंने बात किया था कि एक्सप्रेशन जो होता है जीन का, जो एक्सप्रेशन होता है वो दो अलग अलग कंडीशन में होता है, एक इंड्यूसेबल और एक रिप्रेसेबल। देखिए वही है, एक इंड्यूसेबल है और एक क्या है, रिप्रेसेबल। इंड्यूसेबल कहने का मतलब क्या हो गया, कोई मैटर होगा, कोई सबस्टांस होगा जो एज ए इंड्यूसर यूज होगा, और वो क्या करेगा, इस सिस्टम को इंड्यूस करेगा। और रिप्रेसेबल का मतलब क्या होगा, वो सिस्टम को ऑफ कर देगा, है ना। दोनों में यही एक अंतर है। ओके,
तो इसका एग्जांपल देखिए लैक ऑपेरॉन है, और इसका एग्जांपल देखिए टी ऑपेरॉन है, और ये दोनों एग्जांपल आपका किसमें है, ई कोलाई का ही है। ये दोनों एग्जांपल जो आप देख रहे हो ई कोलाई का ही एग्जांपल है। तो लैक ऑपेरॉन जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लैक्टोज के मेटाबोलिज्म के लिए, जबकि टीआरपी ऑपेरॉन जो होता है वो ट्रिप्टोफैन के प्रोडक्शन के लिए। देखो ये लैक्टोज जो है यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट के जैसा एक्ट करता है। ये लैक्टोज यहाँ पे क्या करेगा, सबस्ट्रेट के जैसा एक्ट करेगा, है ना। और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट होता है। ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या है, प्रोडक्ट, है ना। तो ये एक टाइप का कैसा, फीडबैक इनहिबिटर है, फीडबैक टाइप का सिस्टम है, जबकि ये फीडबैक टाइप का सिस्टम नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं लैक ऑपेरॉन ऑफ इकोलाई का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखिए लैक ऑपेरॉन जो होता है वो दो अलग अलग कंडीशन में, मैंने आपको यहाँ पे फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश मैं पहले कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल पॉइंट देख लेंगे अलग अलग। देखिए क्या है ये, एक्चुअली में ये एक जीन है ना, पूरा का पूरा जीन आप देख रहे हो, है ना। ये जीन नहीं कह सकते, डीएनए का एक पार्ट है, या फिर सिस्ट्रॉन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे क्या मिल रहा है आपको, एक मिल गया, देखिए यहाँ पे है ना प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन, और यहाँ पे देखिए इंड्यूसर जीन है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेसेबल जीन, है ना, वही है ये। और ये देखिए स्ट्रक्चरल जीन है, ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, और ये ऑपरेटर जीन है आपका। अब देखिए अगर इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर कहने का मतलब कौन नहीं है, लैक्टोज नहीं है, हालांकि आपको पता चलेगा ये लैक्टोज से ज़्यादा जो अच्छा इंड्यूसर यहाँ पे है वो है एलो लैक्टोज, आप कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, एलो लैक्टोज बोलते हैं। तो एलो लैक्टोज इंड्यूसर है। अब देखो जो आपका रेगुलेटरी जीन है, ये जो आई जीन है ना वो रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन ने क्या किया, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस किया, और मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, एक रिप्रेशर पैदा किया। मैसेंजर आरएनए क्या किया, एक रिप्रेशर पैदा किया, और ये रिप्रेशर क्या कर रहा है भाई, ये रिप्रेशर जो है इस ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर रहा है। वही देखो यहाँ लिखा हुआ, बाइंड विथ ऑपरेटर जीन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग ऑपेरॉन। जब ये ऑपरेटर जीन के पास चला जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये ऑपरेटर जीन आपका काम ही नहीं करेगा, और जब ऑपरेटर जीन काम नहीं करेगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ओके, लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर का, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो देखिए क्या होता है, फिर से वही हो गया, प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन, और ये स्ट्रक्चरल जीन, ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन, एसजी बोल रहे हैं हम लोग इसको। अब देखिए क्या होता है इसमें, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो ये काम तो होगा ही होगा, मतलब क्या, रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रिप्रेशर। अब इस रिप्रेशर को ये जो इंड्यूसर देख रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया एलो लैक्टोज, ये इंड्यूसर जो है इस रिप्रेशर जीन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। देख रहे हो, ये इंड्यूसर इस रिप्रेशर जीन को ब्लॉक कर देगा। तो जब ये ब्लॉक हो गया तो ये ऑपरेटर जीन के पास नहीं जाएगा, और जब ये ऑपरेटर जीन के पास नहीं जाएगा तो ऑपरेटर जीन के वजह से क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा, और ये मैसेंजर आरएनए जो होगा वो अलग अलग जो स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, देखिए थ्री स्ट्रक्चरल जीन लैक ऑपेरॉन में काम करता है। तो ये जो आपका जेड जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा ग्लाइकोसिडेज के सिंथेसिस के लिए। वहीं पर वाई जीन जो होता है वो परमिएज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ए जीन जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तीनों जो आप एंजाइम देख रहे हो ना, ये एंजाइम क्या करता है, ये इस लैक्टोज को, जो लैक्टोज या एलो लैक्टोज जो मैंने बताया ना, उस एलो लैक्टोज के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए उस बैक्टीरिया में या इकोलाई में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को, कि जब इंड्यूसर एब्सेंस है तो ये जो रेगुलेटरी जीन है उस रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। ये रिप्रेसर एमआरएनए क्या करता है, एक रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है ना, ये प्रोटीन है एक टाइप का, रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है, और ये रिप्रेसर क्या करता है, इस ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। तो जब ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन का कोई काम नहीं है, ये जो अलग अलग फंक्शन नीचे कर रहा था ना उसका कोई काम नहीं। ओके,
लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा, जो रिप्रेशर प्रोड्यूस हुआ है ना रेगुलेटरी जीन के द्वारा, उस रिप्रेशर को ये इंड्यूसर ब्लॉक कर देगा। देख रहे हो यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया, ब्लॉक कर देगा। और जब ये ब्लॉक कर जाएगा तो इनएक्टिव कर देगा इसको, और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑपरेटर जीन फंक्शनल हो जाएगा, और ऑपरेटर जीन जब फंक्शनल हो जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके द्वारा डिफरेंट टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, इट एक्टिवेट्स बाय प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, बिना इंड्यूसर के इसका एक्टिवेशन नहीं होगा, एज ए सबस्ट्रेट इन सराउंडिंग रीजन ऑफ द सेल। सेल के सराउंडिंग रीजन में सबस्ट्रेट जो होगा ना, वो सबस्ट्रेट क्या होगा, लैक्टोज होगा। तो लैक्टोज जो प्रेजेंट होगा ना तभी ये एक्टिव होगा। अब देखिए, फोर टाइप का जीन इन्वॉल्व इन दिस ऑपेरॉन, चार टाइप का जीन था। एक था क्या, स्ट्रक्चरल जीन जिसमें जेड वाई ए था, एक था ऑपरेटर जीन जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे ओ, और एक था प्रमोटर जीन, और एक था रेगुलेटरी जीन। इस टाइप का था ना, इस टाइप का था। तो यहाँ पे आपका क्या था, प्रमोटर जीन था, फिर बीच में ऑपरेटर जीन था, फिर प्रमोटर जीन था, सॉरी यहाँ पे आई जीन था, रेगुलेटरी जीन था, और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन आपका अवेलेबल था, कुछ ऐसा ही था ना। तो ये चार टाइप का बेसिक जीन्स लैक ऑपेरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन की संख्या तीन होती है। ओके, अब देखिए एक एक करके सभी सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन का। देखो, इस स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या पर्पस है उसका, एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। ये डिफरेंट एमआरएनए जो होगा वो अलग अलग एंजाइम को बनाएगा। वही देखिए, एमआरएनए सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड विच प्रोड्यूस पर्टिकुलर एंजाइम। अब देखो, जेड बाई ए जो है उसको हम लोग लिंक्ड जीन बोलते हैं। लिंक्ड जीन आपको याद होगा, जो मैंने आपको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पहले जो हम लोग पढ़े थे टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसी में मैंने आपको बताया था ना, लिंक्ड जीन जो एक साथ रहता है, एक दूसरे के साथ जाता है किसी भी जनरेशन में, तो ये लिंक्ड जीन है। ओके, और क्या, ये पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए, ये जो एमआरएनए बनेगा उसमें क्या होगा भाई, तो जेड जीन जो बनेगा वो एमआरएनए के द्वारा क्या बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। देखिए यही वो एंजाइम है, और बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से बाई जो जीन आपका था वो क्या करेगा, परमीएज का सिंथेसिस करता है, और परमीएज क्या करता है, ये लैक्टोज का एंट्रेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, और ए जीन जो है वो क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज का सिंथेसिस करता है, और इसका काम क्या है कि एसिटाइल ग्रुप जो होता है ना, उस एसिटाइल ग्रुप को एसिटाइल कोएंजाइम ए से बीटा ग्लैक्टोसिडेज में ट्रांसफर कर देता है। वही है, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज। तो ये अलग अलग काम है। इस तरह से आपका जो लैक्टोज है वो इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब ऑपरेटर जीन का देखिए क्या काम है, ऑपेरॉन में ऑपरेटर जीन जो था ओ जीन मेरा है ना, तो ओ जीन का काम क्या है, देखिए लोकेटेड जस्ट बिसाइड द स्ट्रक्चरल जीन है ना। देखो, ऑपरेटर जीन जो था वो क्या था, देखिए यही ऑपरेटर जीन है जो स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट बिसाइड में है, जस्ट बगल में है इसके, वही है ना। कंट्रोल क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ओवर स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा जो एमआरएनए का सिंथेसिस होता है ना, उसी को ये कंट्रोल करता है। और ये रिप्रेसर क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, बेसिकली ये स्विच ऑफ होता है, क्योंकि जब इंड्यूसर आएगा तब तो ये स्विच ऑन होगा है ना। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको। अब प्रमोटर जीन का क्या काम है, तो देखिए एट इनिशियल साइट पे है, देखिए आपको प्रमोटर जीन देखिए यही इनिशियल साइट पे है ना, और इसके बीच में रेगुलेटरी जीन होता है आपका आई जीन। ओके, तो इनिशियल साइट ऑफ जीन पे अवेलेबल है, वही है इनिशियल साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज के पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है। वहीं पे आ गया रेगुलेटरी जीन जिसको हम लोग आई जीन भी बोल रहे थे। इसका पर्पस क्या है, ये देखो रिप्रेसर का सिंथेसिस करता है, देखिए यही है रेगुलेटरी जीन जो रिप्रेसर एमआरएनए के द्वारा क्या करता है, रिप्रेसर का सिंथेसिस करता है। ओके, अब क्या भाई, देखिए ये बाइंड करता है किसके साथ, ओ जीन के साथ, ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करता है, और इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, या इसको ऑफ कर देता है, ऑफ नहीं कर सकते, एक्टिवेट कर देता है ना, यही। ओके, तो रिप्रेशर बाइंड करता है इसके साथ और इसको क्या करता है, एक्टिवेट करके रखता है। ऐसे जनरली ये ऑफ ही कंडीशन में रहता है ना, वही है मेक इट ऑफ। ठीक,
आगे क्या है, रिप्रेशर। रिप्रेशर क्या होता है, तो एक प्रोटीन होता है, यही प्रोटीन क्या करता है, स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल डीएनए बाइंड विथ ओ जीन, है ना। देखो यही है आपका रिप्रेशर, ये एक प्रोटीन होता है और यही क्या करता है, ओ जीन के साथ बाइंड कर जाता है, और ओ जीन के साथ जब बाइंड कर जाएगा तो इसको एक्टिवेट नहीं होने देगा वो। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इंड्यूसर का। देखिए इंड्यूसर क्या होता है भाई, तो इंड्यूसर दोज केमिकल्स विच कंबाइंड विथ रिप्रेशर। फिर से मैं बताता हूँ आपको, फिर से मैं दिखला देता हूँ। देखिए जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, ये तो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में था तब तो ये ऑपरेटर जीन ऑफ था, लेकिन जब ये इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, रिप्रेशर को ब्लॉक कर देता है, तो ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑपरेटर जीन आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यही है इंड्यूसर जो सबस्ट्रेट होता है ना। वही देखिए यहाँ बताया गया है, इंड्यूसर द केमिकल विच कंबाइंड विथ रिप्रेशर दस ऑपरेटर जीन रिमेन स्विच ऑन। इससे क्या होता है, जब ये ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर जाए, सॉरी जब ये रिप्रेशर के साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर जीन को स्विच ऑन कर देगा। ओके तो लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर कौन है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि देखो एक्चुअली में लैक्टोज जो होता है ना उसको हम लोग इंड्यूसर मानते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे ना, तो एक्चुअली में जो बैक्टीरिया होता है ना, उस बैक्टीरिया में पहले से ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा होता है, लिटिल थोड़ा सा ये एंजाइम ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होता है, और ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एलो लैक्टोज में, और यही एलो लैक्टोज एक्चुअली में रियल लैकोपेरॉन का रियल इंड्यूसर माना जाता है। ओके अब लैकोपेरॉन को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं टीआरपी ऑपेरॉन, मैं बता दूं आपको, एक्चुअली में टीआरपी ऑपेरॉन का चर्चा बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं किया गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए टीआरपी ऑपेरॉन क्या है, ये एक रिप्रेशर, ये रिप्रेशर ऑपेरॉन का एग्जांपल है, वो इंड्यूसर ऑपेरॉन का एग्जांपल था, लैक ऑपेरॉन जो था वो क्या था, इंड्यूसर का एग्जांपल था, और ये क्या है, रिप्रेशर का एग्जांपल है। अब इसमें भी देखो आप क्या मिलेगा, जब ऑपेरॉन ऑन है, जब क्या है, ऑपेरॉन क्या है, ऑन है, ऑपेरॉन ऑन है तो क्या होगा, देखो ये आपका रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन से एक रिलीज करता है ये एपो रिप्रेशर, और ये एपो रिप्रेशर क्या होता है, इनएक्टिव कर देता है रिप्रेशर को। एपो रिप्रेशर क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है रिप्रेशर को। तो रिप्रेशर जब इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑपरेटर जीन के पास नहीं जाएगा, और जब वो ऑपरेटर जीन के पास नहीं जाएगा तो ये जो देखो इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स अवेलेबल होते हैं, EDCBA, ये प्रमोटर जीन है और ये आपका ऑपरेटर जीन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा, और ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड का कन्वर्शन हो जाएगा एंजाइम में, और देखिए ये क्या करता है भाई, तो कॉरिस्मिक एसिड, देख रहे हैं, कॉरिस्मिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफैन में। ओके समझ रहे हैं आप ये बात, कि जब ऑपरॉन ऑन होता है तो रेगुलेटरी जिन के द्वारा एपो रिप्रेशर कर आता है, जो इनएक्टिव रिप्रेशर होता है, और ये ऑपरेटर जिन के साथ बाइंड नहीं करता। जब ये ऑपरेटर जिन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो जो पर्पस है हमारा, मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करेगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या होता है, कॉरिस्मिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफैन में। अब देखिए यही ट्रिप्टोफैन जो होगा ना, यहाँ पे को रिप्रेशर के जैसा काम करना शुरू कर देगा, और वो क्या कर देगा, एपो रिप्रेशर के साथ मिल जाएगा जब ऑपेरॉन ऑफ होना है, मतलब जब ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा बन जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाना चाहिए। तो वही हो रहा है, देखिए ट्रिप्टोफैन जो है वो देख रहे हैं, एपो रिप्रेशर और ट्रिप्टोफैन आपस में कंबाइन कर गया, तो जब कंबाइन करेगा तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देगा। अब ऑपरेटर जीन ब्लॉक हो गया तो स्ट्रक्चरल जीन काम कैसे करेगा, देखिए नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में ये जो मैकेनिज्म चल रहा था कॉरिस्मिक एसिड का ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट होना, ये बंद हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा ऑपरेटर सिस्टम जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ये है आपका टीआरपी ऑपेरॉन, जो एक कैसा ऑपेरॉन है, रिप्रेसिबल, जबकि इसके पहले जो हमने देखा आपको लैक ऑपेरॉन, वो कैसा ऑपेरॉन था, इंड्यूसेबल। ओके तो लैक ऑपेरॉन स्पेशली आपको ध्यान देना है, वही मैंने आपको डिटेल किया है वहाँ पे, यहाँ पे इस वीडियो में। तो इस तरह से आपका ये लैक ऑपेरॉन का टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा अगले वीडियो में होगा, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका
देखिए एनसीईआरटी में अगर आप पाओगे तो आपको म्यूटेशन बताया गया है। म्यूटेशन मैंने आपको बेसिक ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ही मैंने आपको डिटेल बता दिया है। म्यूटेशन, म्यूटाजेंस, पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी डील कर दिया है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा HGP में बता दूंगा आपको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और फिर मैं आपको बता दूंगा DNA फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली DNA फिंगरप्रिंटिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HGP है, होता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन उससे आता है, लेकिन DNA फिंगरप्रिंटिंग आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे आशा है कि लैक ऑफ एडॉन और का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो क्लासेस के बारे में, और उनको हेल्प कीजिए कि वो अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं आसानी से इस वीडियो के द्वारा। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल होगा वो रिवाइज करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।